दोस्तों, फ्रूट्स हम लोग हर कोई खाते हैं और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए। तरह तरह के फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स जब भी खाएंगे तो याद रखिएगा उसको अच्छे से धोना है, क्योंकि फ्रूट्स के बाहर की जो सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ गंदगी लगी होती है। इसलिए फ्रूट्स को अच्छे से धोइएगा और रनिंग वाटर में धोइएगा। तो ये तो है ही है, पर फिर भी फ्रूट्स खाने के चार चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो चार चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो फ्रूट्स के मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे। तो ये चार रूल्स कौन से हैं? तो रूल नंबर वन है कि आप जब भी फ्रूट्स खाएंगे तो मिक्स करके खाइए, एक ही तरह के फ्रूट्स लंबा नहीं खाना है, डिफरेंट फ्रूट्स को मिला लीजिएगा, जो जो उस वक्त अवेलेबल है। जैसे अभी बेर मिलता है तो बेर को ले लीजिए, कभी एप्पल मिल रहा है एप्पल ले लीजिए, दो तीन चीज़ को हर वक्त मिलाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, एक में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, दूसरे में दूसरी न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, दोनों को मिला लिए तो डबल न्यूट्रिएंट आ गई। तो एक तरह के फ्रूट्स में मोनोटोनी भी होती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि वेराइटीज़ को मिला के लेंगे, इससे आपकी स्वाद भी बनी रहेगी, आपकी इच्छा भी रहेगी। एक ही फ्रूट बहुत दिन खाते रहे तो बोलते यार एक ही फ्रूट देते रहते हो। और इसमें भी कलर चेंज करवा लीजिएगा, कोई रेड कलर का हो, कोई ग्रीन कलर का हो, कोई येलो कलर का हो, क्योंकि कलर के हिसाब से उसके विटामिन न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मैं आपको बता दूं, दो तीन चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे बनाना लेते हैं तो तीन चार दिन वीक में ले लीजिए, एप्पल तो हर दिन ले सकते हैं, पियर्स है 5-6 दिन लीजिए, पपाया भी 2-3 दिन लीजिए, चीकूज ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाइए फ्रूट्स के। तो इतने सारे वैरायटी आपके सामने मैं दे रहा हूँ, वो देख के रखिए। नाउ नंबर टू, आप कभी क्या ये करते हैं क्या, जब भी फ्रूट्स लेते हैं तो उसका छिलका उतार लेते हैं? तो छिलका एकदम नहीं उतारिएगा। एप्पल का छिलका बहुत काम की चीज़ है, हर फ्रूट का छिलका आप जरूर लेने का कोशिश करिए। मालूम है छिलके में 5 गुना ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होता है, फाइबर होता है। तो आप छिलके को ही हटा दिया तो फ्रूट का आधा चीज़ तो हटा ही दिया, और उसके अंदर फाइबर भी होता है और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे काम की होती है। तो आप कभी भी फ्रूट्स खाएंगे उसके छिलके को हटाइए मत, छिलके को धोइए अच्छे से, उसकी जितनी गंदगी है ऊपर जो लगा हुआ उसको अच्छे से साफ करके फिर लीजिए। और इससे फाइबर होने से शुगर एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो आपका डायबिटीज़ के लिए भी फायदा है। जब भी हम फ्रूट जूसेस बनाते हैं, स्मूदीज बनाते हैं, तो छिलके वलके सब निकाल देते हैं, उसमें उसका गुण आधी हो जाती है, इसलिए आप इसको एकदम नहीं करिएगा। अच्छा, तीसरा चीज़ है, जब फ्रूट जब भी खाते हैं तो बहुत देर तक चबा चबा के खाइए। फ्रूट्स खाने में कम से कम 10 मिनट लगाना चाहिए, उसकी स्किन, उसकी पल्प, ये विटामिन को जब मुंह में मिक्स होता है तो उसकी विटामिन जो है वो यूज़ में आने लगती है, उसका एब्जॉर्प्शन भी, शुगर एब्जॉर्प्शन में भी मदद मिलता है जब आप स्लोली खाओगे। तो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, धीरे धीरे खाइएगा। चौथा है, फ्रूट्स में कोई प्रोटीन ऐड कर लीजिए। फ्रूट्स में आपको मालूम है मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आती है, तो प्रोटीन ऐड करने के लिए आप थोड़ा सा कर्ड यूज़ कर सकते हैं, या फ्रूट के संग हो सकता है आप स्प्राउट्स भी साथ में ऐड कर लीजिए। तो उसमें प्रोटीन भी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी आ गई, फैट हमें देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फैट तो हम लोग ऐसे ही हमारे बॉडी में सबके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, हार्ट की बीमारी हो रही है, तो फैट को अवॉइड कीजिए। मैं चाहता हूँ फ्रूट्स के संग बहुत सारे लोग बादाम और वो सब खा लेते हैं, उसको नहीं खाइएगा। उसके जगह अगर आपको ऐड करना है तो आप किशमिश ऐड कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ नहीं है खजूर ऐड कर सकते हैं उसमें, और उसमें मुनक्का ऐड कर सकते हैं, और चाहो तो ओट्स या उस तरह की कुछ ऐड कर सकते हैं, बट डू नॉट ऐड दोज नट्स विच हैज़ लॉट ऑफ ऑयल। तो एनीवे दोस्तों, आज यहीं पे मैं विदा लेता हूँ, पर एक बात बताऊँ आपको, हमारे 50 दिन की रेसिपीज़ की सीरीज़ हमने निकाला है, अभी हमारे चैनल में जाइए जीरो ऑयल कुकिंग वाले में, और उसमें 50 दिन का अलग अलग दिन के अलग अलग खाने का मेनू बना के दिया, आप उसको खाइए, उससे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको। वो बहुत ध्यान रख के किया गया कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, फ्रूट्स भी मिल जाए, मिनरल्स भी मिल जाए, तो इसको कभी मिस नहीं करिएगा। दोस्तों आज यहीं पर विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपको। मेरा नाम डॉक्टर विमल झाजड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, किस तरह से हार्ट की बीमारी को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं उसके बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं। आप ज़रूर हमारे वीडियो सुनते रहिए, हार्ट की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमारे हार्ट की वीडियोज़ आप लोगों को रिकमेंड कीजिए। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, नमस्ते।